आज आदरणीय मनोज सिन्हा जी के बुलावे पर हम सब यहाँ श्रीमद्भगवत भागवत कथा को श्रवण के लिए आए हुए हैं और आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने जम्मू कश्मीर में अपने एलजी के शासनकाल में जिस ढंग से देश को जम्मू कश्मीर के लोगों से सीधे जोड़ने का काम किया है, ये बहुत अद्भुत है और हम सब उन्हें प्रणाम करने के लिए आए हुए हैं। जम्मू कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग है, वहाँ वही लोगों को हक और हुकूक मिल रहे हैं जो गाजीपुर के लोगों को मिल रहे हैं। और जब तक धारा 370 और 35A था तब तक वहाँ लोगों को न प्रधानमंत्री आवास मिल रहा था, न उज्ज्वला गैस मिल रहा था, न आयुष्मान कार्ड जैसी जो सैकड़ों योजनाएँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएँ हैं, अब सबको बराबर अधिकार और हक देने का काम जम्मू कश्मीर की जनता को पार्लियामेंट के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 370 और 35 से हटाने के बाद आदरणीय अमित शाह जी के घोषणा के बाद ये संभव हो पाया है, उसको क्रियान्वयन करने का काम आदरणीय गवर्नर साहब वहां पर कर रहे हैं। सर, उनके परिवार और उनके बेटों पे ईडी की जबरदस्त कार्रवाई क्या कहेंगे? जी देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, हमारी सरकार कानून के मामले में अपना पराया छोटा बड़ा नहीं देखती, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। डेंगू को लेकर प्रदेश में क्या? देखिए, सरकार पूरी तरह से सतर्कता के साथ काम कर रही है, बेड्स की, प्लेटलेट्स की, ब्लड की और दवाइयों की कोई कमी नहीं है। हर स्थिति से निपटने के लिए एक अफसर को हर जिले में भेजा गया है, 75 के 75 जनपद में नोडल अफसर भेजे गए हैं और मैं स्वयं लगातार भ्रमण पर जिले में तमाम हॉस्पिटल अवैध जो अवैध है उसको बंद करा दें। आप लोग चलिए आइए। श्री मनोज सिन्हा जी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हैं जम्मू कश्मीर के, वो गाजीपुर के वो सुपुत्र हैं और आज उन्होंने अपने गांव के भीतर एक पारिवारिक कार्यक्रम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया था, उसमें आज उसका समापन समारोह है। इस अवसर पर हम लोग यहां पर उपस्थित हैं। यहां आज कार्तिक पूर्णिमा का दिवस भी है और साथ साथ में आज ग्रहण भी लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में गंगा के तट पर आना और श्रीमद् भागवत कथा के समापन के अवसर पर रहना यह अपने में ही एक पुण्य प्राप्त करना है। और मनोज सिन्हा जी का आज आमंत्रण मिला था, उसमें हम आए हैं कि मनोज सिन्हा हमारे छात्र जीवन से मेरे मित्र रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में साथ साथ हम लोगों ने काम किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, गाजीपुर पार्लियामेंट से कई बार पार्लियामेंट के सदस्य रहे हैं, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री के रूप में उन्होंने अपने योगदान किए हैं और राष्ट्र सेवा में लगातार समाज सेवा के रूप में समर्पित हैं और इसलिए उनके आह्वान पर हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। आज इस अवसर पर मैं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर संपूर्ण प्रदेशवासियों और देशवासियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, ऐसे में अगर अभी गाजीपुर बनारस के बीच में तो मुझे कहीं दिखी नहीं, यदि आपने कहीं दिखी हो तो उसका एक फोटो मुझे दिखा दीजिए जो गाजीपुर से लेकर बनारस बलिया के बीच में। मैं ये समझता हूँ कि पराली की समस्या जितनी नहीं है उससे ज़्यादा वो मीडिया की समस्या है और मीडिया कम से कम इसमें समाधान यदि निकाल दे तो हमारे सारे समस्याओं का समाधान हो सकता है। सर, राकेश टिकैत जी लगातार इन दिनों सरकार का विरोध कर रहे हैं, उनको लेकर कब उन्होंने समर्थन किया हुआ है? मैं तो उनको 1991 से देखता हूँ, कभी उन्होंने सरकार का समर्थन, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का समर्थन कभी नहीं किया। ठीक, यहाँ पे मगई नदी है सर, मैंने जल संसाधन विभाग को कहा है, अभी पिछले दिनों मैं आया था करीमुद्दीनपुर में एक किसान के खेत पर, वहाँ पर एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में वहाँ पर लोगों ने जानकारी मुझे दिया था तो उस पर आकर के लोगों ने उसके चीफ इंजीनियर वगैरह ने सर्वे भी किया है, समाधान के लिए उसके प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, फिलहाल वहाँ की कुछ समस्याओं का समाधान कर भी चुके हैं जैसा मुझे ये प्रमुख सचिव सिंचाई ने जो जानकारी मुझे दिया अनिल गर्ग ने, मैंने उसी दिन उनको कहा था और तुरंत उसे यहाँ पर अधिकारी आ गए थे और उस पर काम चल रहा है, उसके प्रोजेक्ट तैयार किया।